हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर गेट प्रिपरेशन। तो गेट 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस सेशन इज गोइंग टू वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल कैंडिडेट्स। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए गाइज। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व NAT दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, MSQ दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन, and MCQs that is multiple choice type questions। तो ये questions कैसे solve करने हैं और कौन से questions NAT पहले solve करें, MSQ या MCQ? तो इन questions के answer आपको इस video में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए further discussion करते हैं आज के हमारे topic के बारे में जो रहेगा how to solve NAT, MSQ, MCQ type of questions। सबसे पहले स्ट्रेटजी टू सॉल्व NAT दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिया गया होता है, ठीक है, और इस न्यूमेरिकल का आंसर आपको फाइंड करके वर्चुअल टेबल की हेल्प से वहां पर फिल करना होता है। तो गाइस ये जो आंसर है, ये जो न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन, आपका पॉइंट जो सबसे पहले आएगा यहाँ पर वो है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए और उसके बाद ही उसे अटेम्प्ट करने के लिए जाइए। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 65 क्वेश्चन है आपके पास, तो 65 क्वेश्चन है तो हम क्या सोचते हैं, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था तो गाइड गाइड में पढ़ते हो ठीक, अरे हाँ इसका आंसर ये हो सकता है तो आप टिक कर देते हो। और फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका वो जो मार्क है वो वहां पर लॉस में चला जाएगा, निगेटिव में आप चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ के लेना है एंड देन उसके लिए आपको उसे अटेम्प्ट करना है। देन सेकेंड आपकी स्टेप क्या रहेगी, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेट रहने की जरूरत होती है। तो इसे फर्स्ट सॉल्व करना है या लास्ट सॉल्व करना है ये आप फिक्स कीजिए, क्योंकि फर्स्ट में सॉल्व किया तो कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, लास्ट में अगर सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं बता दूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वो कैंडिडेट्स लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन आपकी थर्ड जो स्टेप होगी तो वो रहेगी सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कीजिए, पहले हाफ प्रॉब्लम रीड कीजिए, देन हाफ प्रॉब्लम रीड कीजिए, और यहाँ पर जितना ज्यादा आप उसे सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा आपको याद आएगा कंसेप्ट आपको क्या थी, कैसे सॉल्व करना है, और उस हिसाब से आप आंसर दीजिए। फोर्थ आपका पॉइंट रहेगा कि चेक द यूनिट्स, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो उसके लिए यूनिट्स आपको जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। देन फिफ्थ आपका जो पॉइंट रहेगा वो है चेक द डेसिमल डिजिट्स एंड साइंस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मार्क्स यहाँ पर अनसिक्योर कर सकते हैं, तो डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स एंड साइंस पर फोकस कीजिए। देन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, निगेटिव नहीं जा रहा है कोई क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व करते नहीं हो तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। देन स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द MSQ दैट इज मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, सबसे पहले आप क्वेश्चन केयरफुली देखिए एग्जैक्टली है क्या, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन जो दिए गए होते हैं उसमें से टू एंड मोर ऑप्शन जो है वो राइट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका सवाल है कि मैम थ्री ऑप्शन राइट थे लेकिन मैंने तो टू ही फिल कर दिए तो अब मुझे मार्क्स मिलेंगे? तो नहीं कैंडिडेट्स, नहीं माय डियर कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो भी टोटल जो सारे ऑप्शन करेक्ट है उन्हें क्लिक करना है, अगर आप कोई ऑप्शन क्लिक करना भूल जाते तो उसका मार्क आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड आपके पास जो पॉइंट होगा वो रहेगा अंडरस्टैंड द ऑप्शन। ऑप्शन क्या है वो समझ के लीजिए ना और उस हिसाब से उसे अटेम्प्ट कीजिए। देन इलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन समझने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, ऑप्शन समझने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो आंसर रॉन्ग है उसे सबसे पहले तो एलिमिनेट कीजिए। जहां से आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन आपका कम हो गया तो तीन में आपको सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट फोर्थ आपकी स्टेप है एनालाइज ईच ऑप्शन इंडिपेंडेंटली। ईच ऑप्शन के लिए इंडिपेंडेंटली जाए, सोचे, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद ही आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को।
देन फिफ्थ आपका क्वेश्चन रहेगा लुक फॉर क्लूज इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ क्लू छुपा है क्या वो देखिए. देन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो अपनी कॉन्सेप्ट पर क्लियर करने के लिए और ज्यादा फोकस कीजिए. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट सेम. तो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कैसे कि आपको पहले हाफ क्वेश्चन रीड करना है. समझ लीजिए एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम के टाइम पे. प्रीवियस आंसर चॉइसेस. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीव्यू आंसर चॉइसेस, सॉरी इट्स नॉट प्रीवियस इट्स प्रीव्यू, प्रीव्यू आंसर चॉइसेस. तो आंसर क्या क्या दिए हैं उन चार में से देखिए कि कौन सा आंसर प्रॉपर है और उसे मार्क कीजिए. देन एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कीजिए एंड आंसर आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. तो फर्स्ट जो इजी क्वेश्चंस है उन्हें आंसर कीजिए. तो ये स्ट्रैटेजी थी आपके एनएटी एमसीक्यू एंड एमएसक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने की, इसे जरूर फॉलो कीजिए. अगर आप अपने आप को इन गेटर्स के गेट एमसीक्यू एंड नेट के टॉपर्स की जगह पर देखना चाहते हो तो गाइज आईपीएस की हेल्प से ये पॉसिबल है. जस्ट एनरोल फॉर द कोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन आईपीएस एंड इसी के साथ साथ प्रैक्टिस यूसीएस एंड नेट गेट फॉर फ्री. प्राइम क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेज, एंकर स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट्स, पीवाईक्यूज, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एंड मेनी मोर. तो ये सारी चीजें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com पर आप सभी के लिए अवेलेबल है. तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को. इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज ये वेबसाइट है, इसे विजिट कीजिए और इन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो. ये सारी जो फ्री में इन्फॉर्मेशन है उसे ग्रैब कर सकते हो. तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. इस रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन.